कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आज एक बदलाव के चौखट पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इतिहास भी दोहराना जरूरी है। हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। ये एक धर्म निरपेक्ष भारत, एक एक हिंदुस्तानी अपना योगदान दे पाए और विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमारा हिंदुस्तान और भारत उजागर हो पाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चार वर्षों में जहाँ एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा देंगे बुनियाद उनकी हम। सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। हिंदुस्तान तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को हिंगा दिखाया जाता है। ये चुनौती मेरे भाई और बहनों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, मैं तो मानता हूँ कि ये भारत के अस्तित्व के लिए आज चुनौती हमारे सामने आ चुकी है। किसी को लगता है कि किसान खतरे में है, किसी को लगता है कि महिला खतरे में है, किसी को लगता है कि नौजवान खतरे में है। अरे मेरे यारो, वर्ग का चश्मा उतार दो, क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है।